बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तंदूरी चिकन टिक्का, और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो आप देख लें। टिक्के बनवाए थे, एक मैंने लिया है लेग पीस और एक चेस्ट का लिया है, तो इनका साइज़ है 750 ग्राम। ये ली है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, नमक, हल्दी, पिसे हुए धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें, और पिसा हुआ गरम मसाला। तो ऐड करते हैं, ये है चिकन का शान टिक्का मसाला, और एक बड़े साइज़ का लेमन है मेरे पास। तो एक बाउल के अंदर हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। पहले तो उसमें दही डाला है मैंने एक प्याली, इसमें एक टेबल स्पून जितना मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये आराम से मिल जाता है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप ज़रूर ट्राई करना ये। तो एक टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी क्वार्टर टी स्पून जाएगी, और पिसी हुई लाल मिर्च भी डालेगी इसमें आधा टेबल स्पून, आपके ऊपर है आप कितनी मिर्चें स्पाइस पसंद करते हैं। और एक टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, नमक हसब जायका डाला है मैंने इसके अंदर। और मैं शाम का टिक्का मसाला डाल रही हूँ, इसमें मीट टेंडर होता है कुछ पाउडर, तो उससे अच्छा से हमारा जो मीट है वो अंदर मसाला चला जाता है। तो शान का टिक्का मसाला एक टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ, और अब मैं इसमें लेमन एस यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश लेमन जूस, और इसमें डालेगा अब जर्दे का रंग फूड कलर क्वार्टर टी स्पून, और इन सारे मसालों को अच्छी तरह हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ, और इसके ऊपर टिक्के के ऊपर लगा देंगे, मेरीनेशन कर देंगे इसकी। इसको कम से कम हमें मेरीनेशन करने के बाद 6 घंटे रखना है। आप अगर एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख दें मैरिनेशन करके, तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये। देखें इस तरह से मैंने इनको कवर कर दिया है और मैं इसको रख रही हूँ। 6 घंटे के बाद मैं इसको निकाला है, अब इसको करूँगी मैं फ्राई। और फ्राई हमें ऐसे करना है कि 2 टेबल स्पून जितना हम किसी भी पैन में कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, और इसको हम इसी के पानी के अंदर पकाएंगे। ये चिकन अपना जूस रिलीज़ करेगी, उसी के अंदर ही गल जाएगा, और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता अंदर से। अगर आप सोचें कि कच्चा रहेगा तो नहीं, और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो जाते हैं पैन में भी ये। तो इस तरह से मैं इसको अब ढक के पकाऊँगी, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है इसको, तेज़ आँच में नहीं पकाना, ताकि इसका जूस जो है वो अंदर से रिलीज़ हो और ये अंदर तक का पक जाए। तो देखें इस तरह से ये 5 मिनट के बाद आप इसको चेक करते रहें, तो 5 से 4 मिनट के बाद मैं इसको चेक करा है, तो देखें इस तरह से इसका कलर चेंज हुआ है, और मैं इसको टर्न कर रही हूँ, और मीडियम जो लो है फ्लेम मेरी, बिल्कुल चूल्हा है जो बिल्कुल आँच हल्की है, और इसको मैं इसके अंदर टर्न कर रही हूँ। कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, इसका मसाला भी नहीं डालेंगे, ताकि वो शोरबे की तरह पकना स्टार्ट ना हो जाए। और ढक के पका रही हूँ, फिर देखें 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, और फिर इसको टर्न करेंगे। तो इस तरह से करते करते तकरीबन इसको आधा घंटा लगता है पकने में, 2 से 3 दफ़ा आपको साइड चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और टिक्के जो हैं बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे, अंदर से जूसी होंगे और बिल्कुल टेंडर होंगे, मीट इसका अंदर तक का पका हुआ होता है। तो देखें कलर चेंज हुआ जा रहा है, और अब जो एक्स्ट्रा पानी है वो 2-3 टेबल स्पून में इसके ऊपर जो मसाला रह गया था वो लगा लूँगी, ताकि जो इसका ड्राइव है वो अंदर से जूसी हो जाए, जो मसाला बचा हुआ है वो आप ज़ाया नहीं करना, इसके ऊपर ही हल्का हल्का 2-2 टेबल स्पून करके डालना है, ताकि जो ये ड्राई ड्राई से हो जाते हैं इस तरह से जूसी रहेंगे। फिर मैंने इसको ढक दिया था, और देखें अब ये पकना स्टार्ट हो गए हैं, कलर भी इनका चेंज हो गया है। और फिर मैं इसकी साइड चेंज करके देखूंगी कि अब कितना इसके पका है ये, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, ज़रूर आप लोग ट्राई करना। थोड़ी सी टेक्निक होगी, थोड़ी सी देखें लो मीडियम पे मैं इसको पका रही हूँ, बिल्कुल भी तेज़ आँच नहीं करी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखें कलर कितना प्यारा आ गया है इसके ऊपर,
ब्राउन कलर आ गया है इसके ऊपर और जूसी भी लग रहे हैं ये। मीट अंदर से गल गया है तो मैं इसके ऊपर कोयले से स्मोक करूँगी इसको ताकि हमारे पास तंदूरी फ्लेवर आ जाए। तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि आपने इसको पैन में बनाया है, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने इसको बारबेक्यू ही किया है। तो बारबेक्यू फ्लेवर के लिए मैं इसमें एक कोयला, देखें इस तरह से मैंने इसको पका लिया था कोयले को और इसके ऊपर हल्का सा दो टेबलेट हल्का सा दो बूंद जितना मतलब चंद ड्रॉप्स फ्यू ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। और ये देखें स्मोक इसका बिल्कुल तैयार हो गए हैं हमारे मज़ेदार से चिकन तंदूरी टिक्के। ज़रूर आप लोग ट्राई करना, फिर लोड कराऊँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।